हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिता स्टाइल टिप्स। आप लोग का स्वागत है। तो फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक होम रेमेडी, आपके बालों के लिए लाई हूँ एक होम रेमेडी। हमेशा आपके लिए, आपके फेस के लिए मैं लाती हूँ। इस बार मैं आपके बालों के लिए लाई हूँ कुछ होम रेमेडी। देख सकते हैं कि मेरे बाल अभी कितने शाइनिंग कर रहे हैं। और जैसे कि अभी विंटर की ही टाइम है और डैंड्रफ सबके बालों में हो जाते हैं, तो क्यों ना हम होम रेमेडी अपनाएं, अपने घर के ही सामग्री से हम अपने बालों को अच्छा ग्रोथ दें और डैंड्रफ फ्री करें और हेल्दी बनाएं। तो हम जैसे फेस की अपने केयर करते हैं, हमें बालों का भी केयर करनी चाहिए और अच्छे से। और देख सकते हैं मेरे बालों में पूरी शाइनिंग अच्छी तरह से आए हैं और कितने शाइन कर रहे हैं। तो आपको यही बहुत सिंपल से मैं कुछ बताऊंगी, आपको एक हेयर मास्क लगाना जो कि आपके घर पे ही अवेलेबल है और आपके किचन में तो मिल ही जाता है ये सब। जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बालों में कुछ गंदगी नहीं आता, बट हमारे बालों में बहुत गंदगी हो जाती है जो कि हमारे डैंड्रफ के रूप में हो जाते हैं। हमें लगता है कि डैंड्रफ ठंड के वजह से हुआ। तो हम बाहर आते जाते रहते हैं तो हमारे बालों में भी गंदगी, जैसे हमारे फेस में डर्ट स्किन सारे बैठ जाते हैं और हम लोग फिर साफ करते हैं क्लिंजर से। उसी तरह हमें हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ बालों में लगाना चाहिए होम रेमेडी ही, ताकि आपके डैंड्रफ ना हो और बाल की ग्रोथ अच्छी हो और आपके बाल मजबूत हो और आपके बाल भी ना झड़े। तो क्यों ना अपनाएं हम ये होम रेमेडी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको होम रेमेडी। तो सबसे पहले हमने दही लिया है, तो करीबन 3 चम्मच मैंने दही लिया। आपके बालों के जितने लेंथ होंगे उतना ही आप दही लीजिएगा और ये खट्टा दही यूज कीजिएगा। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे शहद। तो शहद हम करीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। शहद और दही आप अपने बालों पे हेयर मास्क टाइप लगा सकते हैं, इससे बालों में आपके शाइनिंग भी आती है और आपके डैंड्रफ भी दूर होते हैं, क्योंकि दही में हमारे ज़्यादा खट्टापन होते हैं तो उससे भी आपके डैंड्रफ दूर होते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में भरपूर विटामिन और पोषक तत्व मौजूद होती है जो कि बालों को पोषण के साथ साथ ही उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होती है जो कि बाल मजबूत भी करती है। तो देख सकते हैं मेरे बाल कुछ इस तरह हैं, उलझे हुए और अजीब रूखे सूखे लग रहे हैं। तो हम अप्लाई करेंगे अब ये हेयर मास्क और हम थोड़ा थोड़े क्वान्टिटी में लेते हुए बाल में अपने बालों को थोड़े थोड़े ले लेकर अप्लाई कर लेंगे सारे बालों में अच्छी तरीके से। जैसे कि गर्मी में हम कहीं बाहर निकले तो हमारे बाल हाइड्रेट हो जाता है और ड्राइनेस बढ़ जाता है। दही बाल के पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट करता है। बाल पर दही लगाने की से स्कैल्प की ड्राइनेस कम हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराला है तो दही का इस्तेमाल करने से सीधापन आ जाता है। दही के इस्तेमाल से डैंड्रफ की समस्या से भी निजात मिलता है, क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरियल डैंड्रफ को ख़त्म करने में सहायक है। रोज बाल में दही लगाने से बाल में शाइनिंग आता है और बाल की मजबूती भी बढ़ती है। दही लगाने से हमारे बाल झड़ने की स्थिति से भी रोकने का सहायक करता है ये दही। तो अच्छे तरह से अप्लाई करेंगे सारे बालों में हम, और आप हफ्ते में 2 बार ये अप्लाई कर लीजिए। आप सिर्फ इसे अपन 2 घंटा ही रखना है, या तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, फिर अपना घर का काम कोई भी कर लीजिए। सुबह मॉर्निंग में ये लगा लीजिए, जब आपको बाल धोना हो तो 2 घंटा पहले ही लगा लीजिए। और बहुत अच्छा वर्क करता है ये, आपके बाल को स्ट्रेट भी करता है और मुलायम भी करता है। तो अब हम हनी जो लगाएंगे बालों में उसके भी फायदे बता देती हूँ कि ये बालों को नमी बनाती है और शहद मॉइस्चराइज भी करता है हमारे बाल को। यह आपके बाल को मजबूत करता है और उनके चमकदार बनाने में मदद भी करता है। इसका शहद ड्राई बाल में जान डाल देता है, जिससे आपको बालों में प्रकृति की तरह चमक दिखाई देता है। तो आप इसी तरह बालों में हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे अच्छे से स्कैल्प में। तो हमने जैसे अप्लाई कर लिया, अब अपने से हल्का सा मसाज करेंगे बालों में, ताकि हमारे अंदर तक ये इसके जो हम लगाए हैं दही और शहद, इसके अच्छी तरह से हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए। फ्रेंड्स, अब ये होम रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बालों को भी कुछ प्रोटीन चाहिए होता है, तो आप ये होम रेमेडी ही प्रोटीन दीजिए अपने बालों को और मजबूत कीजिए।
अब हम हमारे बाल में अच्छे से मसाज कर लिए हैं, अब इसको हम एक जूड़ा बना लेते हैं और इसको करीबन 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, देख सकते हैं। और देख सकते हैं मेरे बालों में पूरी शाइनिंग अच्छी तरह से आए हैं और कितने शाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हाँ नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मिलाऊंगी। तो ये होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं अपने बालों में, ये पूरा केमिकल फ्री है, आपके बालों को नुकसान भी नहीं करेगा। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट टिप्स के साथ। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।